आप लोग क्लास 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं तो अब आपको यहाँ पे दो मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। यानी कि जिसका हम लोग यहाँ पर लगातार जिसको लेकर सवाल था, जिसका हम वेट कर रहे थे, वो चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। फाइनली सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नोटिस निकल के सामने आ गया है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपके मन में चल रहे सवाल, यानी कि आपके मन में सवाल चल रहा है टू एग्जाम को लेकर, आपने बार बार ये चीजों को सुना लेकिन एग्जैक्टली आंसर ना आपको मिल पा रहा है और ना ही आप जो है टीचर्स के थ्रू भी जान पा रहे हैं कि इसका आंसर है क्या और यहां पर जो है इंपैक्ट यहां पे किस तरीके से कर रहा होगा। तो फाइनली दोस्तों यहां पर बोर्ड ने ये जो सवाल उठ रहा था इसको लेकर बोर्ड ने यहां पे खुद सीबीएसई ने रिएक्ट किया है। अभी तक जो चीजें आप लोग सुन रहे थे दो एग्जाम को लेकर, ये आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है वहां से जो है ये चीजें निकल के सामने आ रही थी, लेकिन बोर्ड यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड जिसमें आप लोग जो है इस बार 10th में है, 12th में है, यहां पर इवन 9th 11th के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन सभी के मन में जो सवाल है क्या हमारा सीबीएसई भी ये चीज को इंप्लीमेंट करने वाली है। फाइनली यहां पे दोस्तों हिंदुस्तान टाइम, एनडीटीवी जैसे देश के तमाम मीडिया रिपोर्ट से यहां पे जब इनसे मीडिया से जब बात किया सीबीएसई बोर्ड ने और जब ये सेम सवाल उनके सामने रखा गया तो उन्होंने क्लियर यहां पे मना कर दिया, डिनाई कर दिया इस चीज से कि हम दो बार एग्जाम को नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम दो बार एग्जाम नहीं करा सकते, हम यहां पे पूरी तरीके से दो बार एग्जाम कराने को लेकर रेडी हैं। तो ये पूरा कंप्लीट यहां पर बोर्ड कह रही है कि हम रेडी हैं टू टाइम बोर्ड के एग्जाम को कराने को लेकर। यहां पर उन्होंने ये भी चीज क्लियर किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें यहां पे अप्रूवल भी मिल गया है और यहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही कहा था कि दो बार एग्जाम को लिया जाना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड ने कहा हम भी पूरी तरीके से उन सभी बातों पे रेडी हैं, हम पूरी तरीके से रेडी हैं दो बार एग्जाम कराने को लेकर। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं यानी कि लास्ट ईयर की बात करें तो इसरो के जो फोरमैन चेयरमैन है उन्होंने जो दोस्तों यहां पे एनईपी को जब यहां पे पूरी तरीके से जब यहां पे बताया था तो वहां पर उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन यहां पे दे दिया था कि 11, 12 के लिए यहां पे जो है आपका यहां पे टू एग्जाम का सिस्टम जो है यहां पे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया जाएगा, उसके बाद जो है बाकी की क्लासेस भी इसमें यहां पे शामिल हो रही होगी। ट्विस्ट यानी कि आप लोग यहां पे पढ़ सकते हैं दो बार एग्जाम कराने को लेकर यहां पे चीजें कही जा रही थी। अब ये सारी चीजें यहां पर सीबीएसई ने भी क्लियर कर दिया है कि वो जो है दो बार एग्जाम कराने को लेकर यहां पे रेडी हैं और सीबीएसई ने इवन यहां पे एग्जाम्पल भी दिया है, आप एग्जाम्पल को भी पढ़ सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि हमने कोविड-19 का यानी कि जब देश में कोविड था तो उस समय पे भी जो है हमने यहां पे दो टाइम एग्जाम को करवाया था, टर्म वन और टर्म टू को याद करिएगा। तो आप लोग के कोई सीनियर भाई बहन या फिर दोस्त होंगे तो उन्होंने भी जो है दो बार एग्जाम दिया था। तो यहां पर बोर्ड कह रही है कि हम पूरी तरीके से रेडी है टू टाइम एग्जाम कराने को लेकर। अब यहां पे फाइनल समझ लीजिए, बोर्ड जब यहां पे हरी झंडी दे चुकी है, यहां पे क्लियर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है तो ये कब से आप लोग का हो रहा होगा। तो बोर्ड ने कहा है दिस ईयर यानी कि दिस ईयर जो है ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 10 के हैं या फिर 12 के हैं तो आपकी पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपने कई सारे चैप्टर्स को फिनिश भी कर लिया है तो आपके साथ यहां पे कोई भी छेड़छाड़ ना किया जाए, यानी आपके जो सेशन है उसमें किसी बच्चों को डिस्टर्ब ना किया जाए, ना ही 10 को ना 12 को। बोर्ड ने कहा है कि आने वाला जो नेक्स्ट सेशन आपका होगा 2024 और 2025 वाला जो न्यू सेशन होगा उस सेशन में आप लोग दो एग्जाम दे रहे होंगे। यानी कि जो बच्चे अभी यहां पे 10th में हैं अगले साल से वो दो एग्जाम देना स्टार्ट कर देंगे, उनकी 11th में भी दो एग्जाम होगी और 12th में भी दो एग्जाम होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस साल 12th में हैं उनका लास्ट होगा इस बार सेशन, क्योंकि लास्ट यानी की बात करें तो 12th के बाद उन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा दो बार एग्जाम देने का। लेकिन जो 10th वाले बच्चे हैं अगले साल से वो जो है यहां पे एग्जाम को टू टाइम देंगे। इवेनली जो 9th पास करके भी बच्चे आएंगे 10th में, यहां तक कि 9th वाले बच्चे भी जो है दो बार एग्जाम देंगे। तो टोटल जो यहां पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 9 to 12 जो है ये चीजें यहां पे इंप्लीमेंट हो रही होगी। क्लास 9th भी जो है टू टाइम और यहां पे 11th भी टू टाइम, 10 और 12 भी टू टाइम यहां पे एग्जाम हो रहा होगा। और इवन हम यहां पे बात करें तो 9th और यहां पे 11th का इनके लिए कोई नया नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 9th 11th के बच्चों का दो एग्जाम होता है, एक हाफ ईयरली होता है और उनका एक फाइनल होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने सारे स्टूडेंट्स जो है यहां पे टू टाइम एग्जाम को लेकर हैप्पी हैं और कितने सारे स्टूडेंट्स जो है इसके अगेंस्ट में है कि टू टाइम एग्जाम यहां पे हमारे लिए बैड है।
तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोनों के मार्क्स को ऐड करके आप लोग के फाइनल मार्क्स बनाने की बात भी की गई है, और दूसरा प्रपोजल ये भी है कि दोनों में से बेस्ट को ले लिया जाए। तो इसको लेकर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से कौन सा सिस्टम के साथ सीबीएसई बोर्ड को जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बोर्ड ये पहले ही डिसाइड करके बताएगी। दो प्रपोजल जो है बोर्ड को यहां पे दिया गया है, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दो प्रपोजल मिला है। एक तो दोनों के नंबर ऐड कर लीजिए, यानी 50 नंबर 50-50% करके मार्क्स को यहां पे आप लोग के जो है दोनों ऐड कर लीजिए और 100% का रिजल्ट बना लीजिए, या फिर दोनों एग्जाम जो आप कराएंगे उनमें से एक बेस्ट वाला ले लीजिए और बाकी जो जिसमें बेस्ट नहीं है उसे हटा दीजिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया, बोर्ड यहाँ पे सीबीएसई ने हरी झंडी दे दी है टू एग्जाम को लेकर। सब लोग रेडी हो जाइए, नेक्स्ट ईयर से आप लोग के दो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे।